Welcome you all to this second session of workshop on Satyarth Prakash. मैं आप सब लोगों का इस सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे सत्र में, जो सारस्वत सत्र ये चल रहा है, इसमें आप सबका स्वागत करता हूँ. एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग इन टू एनी अदर डिटेल, आई वुड लाइक टू इन्वाइट Dr. Anand Kumar Sharma. In this session, we have two speakers. One, Professor Ranveer Ji. He is from Kurukshetra University and presently he is posted in Central University, Mahendragarh, Haryana. And second speaker is Acharya Brahmadev. He is from Mauritius. Professor Ranveer will deliver his speech or talk in Hindi, and Acharya Brahmadev has been asked to deliver his talk in English. So they have been requested that they will take 40 to 45 minutes or maximum 50 minutes for their talk, so that rest of the 10 minutes or 15 minutes can be spent on asking answers from the audience. So now I invite Dr. Anand Kumar Sharma ji give the introduction of Professor Ranveer ji and start the meeting. मेरे पास आपने इनका ब्रह्मदेव जी का भेजा है. ओके ओके सॉरी. हाँ, सो यू हैव टू रिक्वेस्ट द अदर पर्सन. हाँ और अपनी रिकॉर्डिंग भी चालू कर दीजिए. हाँ नहीं, कर दिया जी. अच्छा ठीक. सो आई इनवाइट राधा किशन जी, कोमल चंद्र राधा किशन जी, जस्ट टू गिव इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोफेसर रणवीर एंड आस्क हिम. थैंक यू प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य जी. आप सभी को सादर नमस्ते. एंड रेस्पेक्टेड प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य जी एंड आवर रेस्पेक्टेड स्पीकर्स ऑफ टुडे, प्रोफेसर रणवीर सिंह एंड आचार्य ब्रह्मदेव जी. नाउ आई विल प्रोसीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोफेसर रणवीर सिंह. प्रोफेसर रणवीर सिंह इज प्रेजेंटली हेड एंड प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एंड योग. ही इज ऑल्सो चेयर Professor of Swami Dayanand Saraswati Chair, Central University, Haryana, Mahendragarh. He also worked in Punjab University, Hoshiarpur, and Kurukshetra Universities. He has a total of 40 years of experience in the academic field. He has been the Director of Indological Institute of Kurukshetra University, Chief Warden of Kurukshetra University. He has also been a member of the Court and Academic Council of Kurukshetra University in Kurukshetra. UGC nominated him to the Advisory Committee for the Center of Asian Studies, BPS, Mahila University, Sonipat. He organized 22 conferences and seminars, published 28 books, 30 papers, reviewed 15 books. He guided 19 PhD students, 35 MPhil students. I invite now Professor Ranveer Singh to deliver his lecture. To you, Professor Ranveer Singh. Professor Ranveer Singh, floor is yours. Just a minute. Professor, please unmute yourself. You are muted, please unmute yourself. No, I will pin him also. No? There's some problem. Yes, please unmute him. Professor G, he's unmuted. Unmute. Sir, shall I start? Yes. Yeah, okay. Om Shamnu Mitraha, Sham Varunaha, Shamnu Bhavatvaryama, Shamna Indro Bruhaspatir, शम्नो विष्णुरुक्रमः, नमो ब्रह्मणे, नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु
तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम मैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के कुलपति एवं स्वामी दयानंद सरस्वती चेयर रोहतक के प्रोफेसर डॉक्टर रवि प्रकाश आर्य उन दोनों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में मुझे निमंत्रित किया और आप सभी विद्वज्जनों के सामने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम सम्मुलास पर उसकी प्रासंगिकता एवं प्रायोगिकता पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। आप सभी सज्जनों को विद्वानों को मेरा नमस्ते। और मैं प्रयत्न करूंगा कि समयानुकूल व्यवहार हो। क्या मैं ठीक से सुना जा रहा हूं? जी जी सुन रहे बिल्कुल जी। ऋषि दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी के विलक्षण व्यक्तित्व के धनी महापुरुष हैं। आर्ष ग्रंथों का तलस्पर्शी ज्ञान रखने वाले ब्रह्मलीन महात्मा हैं। निरुक्त एवं व्याकरण के अद्भुत विद्वान तथा तार्किक चिंतन के पक्षधर हैं। स्वदेश स्वदेशी तथा स्वभाषा के महान संरक्षक तथा अनाथ विधवा मातृशक्ति दलित गौ तथा अन्य निरीह प्राणियों की रक्षा के लिए आजीवन प्रयत्नशील रहने वाले अप्रतिम समाज सुधारक हैं। साथ ही वेदों के महत्व की पुनर्स्थापना करने वाले तथा जन सामान्य को वेद के पठन पाठन का अधिकार दिलाने वाले भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धारक हैं। सत्यार्थ प्रकाश जैसा कालजयी ग्रंथ 19वीं शताब्दी के 8वें दशक में देकर ऐसा महत्वपूर्ण योगदान किया जिसने आर्यों की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति का पुनः डंका बजाया तथा अंधविश्वासों एवं पाखंडों के आडंबरों की चूले हिला दी। सत्यार्थ प्रकाश धार्मिक दार्शनिक एवं सामाजिक क्रांति का सूत्रधार महनीय ग्रंथ है जिसने हिंदी भाषा को साहित्यिक रूप में प्रतिष्ठापित किया। सत्यार्थ प्रकाश ने भारत के नव जागरण को नेतृत्व दिया तथा आर्यों की खोई हुई प्रतिष्ठा व आत्मसम्मान को वापस दिलाया। सत्यार्थ प्रकाश भारत की बौद्धिक संपदा का सारभूत तथा वेदादि आर्ष सत्य शास्त्रों के अंतर्निहित गूढ़ार्थों का उद्घोषक है। सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुलास ईश्वर नाम विषयक है। इसके पुष्पिका में स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है, इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते ईश्वर नाम विषये प्रथमः सम्मुलासः सम्पूर्णः। तो इससे ईश्वर नाम विषयक ये सम्मुलास है। तो सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम तथा द्वितीय दोनों संस्करणों में ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की गई है। द्वितीय संस्करण में व्याख्या के उपरांत स्वामी जी ने लिखा है, ये 100 नाम परमेश्वर के लिखे हैं, परंतु इनसे भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं, क्योंकि जैसे परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव हैं, वैसे उसके अनंत नाम भी हैं।
उनमें से प्रत्येक गुण कर्म स्वभाव का एक एक नाम है। इससे मेरे लिखे ये नाम समुद्र के सामने बिंदुवत है, क्योंकि वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के असंख्य गुण कर्म स्वभाव व्याख्यात किए हैं। उनके पढ़ने पढ़ाने से बोध हो सकता है और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा पूरा हो सकता है जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं। तो स्वामी जी के इस कथन से यह सिद्ध होता है कि सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समुलास में परमेश्वर के चुने हुए सोनामों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयोजन यह था कि पाठक परमेश्वर के स्वरूप से परिचित होवे, उसको और अधिक समझने की इच्छा जागृत हो तथा उसकी पूर्ति के लिए वेदादि सत्य एवं आर्ष ग्रंथों के पठन पाठन में वृद्धि हो, जिससे मानवता का कल्याण हो। अब जो सो नाम है वो एक बार उनका परिचय मैं दे देता हूं आपको। देखिए, ओम, खम, ब्रह्म, अग्नि, मनु, प्रजापति, इंद्र, प्राण, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव, अक्षर, स्वराट, कालाग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान, मातरिश्वा, भूमि, अदिति, विश्वधाया, विराट, विश्व, हिरण्यगर्भ, वायु, तैजस, ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ, मित्र, वरुण, अर्यमा, बृहस्पति, उरुक्रम, सूर्य, आत्मा परमात्मा एक नाम है, परमेश्वर, सविता, देव देवी एक नाम में लिया है, कुबेर, पृथ्वी, जल, आकाश, अन्न, अन्नाद अत्ता एक नाम, वसु, नारायण, चंद्र, मंगल, बुध अथवा बुद्ध एक नाम, शुक्र, शनैश्चर, राहु, केतु, यज्ञ, होता, बंधु, पिता, पितामह, प्रपितामह एक नाम में सम्मिलित किए गए हैं, माता, आचार्य, गुरु, अज, सत्य, ज्ञान, अनंत, अनादि, सच्चिदानंद, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव एक नाम है, निराकार, निरंजन, गणेश, गणपति, विश्वेश्वर, कूटस्थ, शक्ति, श्री, लक्ष्मी, सरस्वती, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अद्वैत, निर्गुण, सगुण, अंतर्यामी, धर्मराज, यम, भगवान, पुरुष, विश्वंभर, काल, शेष, आप्त, शंकर, महादेव, प्रिय, स्वयंभू तथा सोवा कवि। ये सोनाम द्वितीय जो संस्करण है सत्यार्थ प्रकाश का उसमें प्राप्त होते हैं। जैसे पहले कहा कि इनके अतिरिक्त भी असंख्य नाम परमेश्वर के हैं। धार्मिक साहित्य की परंपरा में अनेक सहस्र नाम जैसे आप जानते हैं प्राप्त होते हैं, और महाभारत के अनुशासन पर्व में विष्णु सहस्र नाम एक अलग से पोर्शन हमें प्राप्त होता है, जैसे भीष्म पर्व में गीता प्राप्त होती है। तो इन नामों पर विचार करें तो ऋषि दयानंद ने प्रथम संस्करण में जो नाम लिए थे, जो 100 नाम रखे थे, उनमें से जो 24 नाम उन्होंने द्वितीय संस्करण में बदल दिए। वो 24 नाम कौन कौन से हैं उनका परिचय देखिए। खम, प्रजापति, अक्षर, स्वराट, कालाग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान, मातरिश्वा, भूमि, भू, विश्वधाया, होता, आचार्य, गुरु, गणपति, श्री, यम, पुरुष, शेष, आप्त, शंकर, स्वयंभू तथा कवि। ये पहले वाले प्रथम संस्करण में नहीं थे, और इनकी जगह प्रथम संस्करण में जो नाम थे वो भी जरा देख लीजिए। होम, श्रोत्र, मन, वाणी, चक्षु, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीव, आप, अद्वितीय, सर्व जगत कर्ता, निर्भय, सूक्ष्म, स्थूल, अचिंत्य, अप्रमेय, अप्रमादी,
तथा शिव शंकर आदि ये नाम प्रथम संस्करण में थे, जिनकी जगह द्वितीय संस्करण में जो नाम मैंने बताए वो बदल दिए गए। तो दोनों संस्करणों के नाम चयन में जो भेद प्राप्त होता है, आवाज नहीं आ रही है, नो साउंड, आवाज तो आ रही है क्लियरली, यहाँ तो बहुत स्पष्ट सुनाई पड़ रही है आवाज तो डॉक्टर साहब, कुछ प्रॉब्लम। हाँ जी, हमारे पास भी आवाज सही ढंग से आ रहा है, आवाज ठीक आ रही है, आवाज ठीक है ना, मैं शुरू करूंगा, बोलिए बोलिए डॉक्टर साहब, ओके। हाँ जी, हाँ जी सर, इनको नहीं आ रही, वो जब ना देखें क्यों नहीं आ रही उनको। तो दोनों संस्करणों के जो नाम चयन में जो थोड़ा सा भेद प्राप्त होता है उससे मूल सिद्धांत को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश के दोनों संस्करणों में इस आशय के उल्लेख प्राप्त होते हैं कि परमेश्वर के अनंत और असंख्य नाम हैं। द्वितीय संस्करण के इस प्रकार के संदर्भ का उल्लेख ऊपर हमने किया, तो प्रथम संस्करण का जो इस संदर्भ का उल्लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिस पर हमें मनन करना चाहिए, वो देखिए क्या है, और जो यह लिखा है सो केवल उन वेदाधिक शास्त्रों के पढ़ाने की प्रवृत्ति के लिए लिखा है, जो सब लोग उन शास्त्रों के पठन पाठन में प्रवृत्त होंगे, और जब उन शास्त्रों को ऋषि मुनियों के व्याख्यान की रीति से पढ़ के विचारेंगे, तब सब लोगों को परमेश्वर और अन्य पदार्थों का भी यथावत ज्ञान होगा, अन्यथा नहीं। तो स्वामी जी के इन वाक्यों से यह प्रमाणित होता है कि पूरे देश के लोगों को ही नहीं अपितु समस्त मानवता का कल्याण करना चाहते थे, जो कि वेदादि सत्य शास्त्रों के ज्ञान तथा तदनुकूल आचरण से ही संभव है। तो कुछ पाठक यह शंका कर सकते हैं कि प्रथम समुलास में परमेश्वर के नामों की सही संख्या 100 से अधिक है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से 100 संख्या का स्वयं उल्लेख किया है। इस भ्रम के निवारण के लिए यह जान लेना उचित है कि भिन्न लिंग वाले स्वरूप नामों को एक नाम माना गया है, यथा देव और देवी, आत्मा और परमात्मा में केवल विशेषण मात्र का भेद है, अतः ये भी एक माने गए हैं, पिता पितामह और प्रपितामह भी एक माने गए हैं, अत्ता और अनाद एकार्थक होने से एक है, सच्चिदानंद शब्द में यद्यपि तीन नाम सम्मिलित हैं, तथापि यह समूचा नाम परमेश्वर को जीव और प्रकृति से भिन्न दिखाता है, अतः इसे भी एक ही माना गया है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव भी इसी प्रक्रिया से चार न होकर एक ही माना गया है, यद्यपि इनके अलग अलग जो नाम है उनकी अलग अलग व्याख्या की गई है, परंतु इनको नाम एक ही माना गया है। तो बुद्ध तथा बुद्ध में धातु समान है, अर्थ भी समान है, अतः इनकी गिनती भी एक में ही होती है, अर्थ भेद होने के कारण गणपति और गणेश को भिन्न भिन्न नाम स्वीकार किया गया है, क्योंकि गणपति का अर्थ गण का पालक और गणेश का अर्थ गण का शासक, इस प्रकार कुल गिनती 100 ही बनती है। तो परमेश्वर के असंख्य नामों की वैदिक परंपरा पे थोड़ा सा विचार करते हैं, तो ऋषि दयानंद ने परमेश्वर के 100 नामों का उल्लेख करके किसी नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, वेदों के अक्षुण्ण महत्व को रेखांकित करने के लिए तथा पाठकों को वेद के स्वाध्याय की ओर प्रेरित करने के लिए वेदों में निर्दिष्ट पद्धति से परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार नामों का संकलन व व्याख्यान वैदिक प्रमाणों के साथ किया गया है। देखिए, ऋग्वेद का एक मंत्र है, ऋग्वेद अष्टम मंडल 93 सूक्त का 17वां मंत्र देखिए, आया धिया च गव्यया पुरुणामन पुरुष्टुता यत सोमे सोम आभव। तो इस मंत्र के भाष्य में जो पुरुणामन जो शब्द आया है, तो वेंकट माधव ने उस पद की व्याख्या बहुनामन
तथा पुरुष्टुत, पुरुष्टुत की व्याख्या बहुस्तुत इस प्रकार से की है, दोनों पद संबोधन में है। और इसी प्रकार शायन ने इस मंत्र का इंद्र देवता परक अर्थ करते हुए पुरु नामन पद का भाष्य बहुविध शक्र वृत्र हाय नामोपेत बहुस्तुति मन ये किया है, जिसका अभिप्राय भी यही है कि परमेश्वर के असंख्य नाम है। प्रथम समुलास के प्रारंभ में स्वयं ऋषि दयानंद ने दो परमाणु उपस्थापित किए जिनमें जिनसे परमेश्वर की बहुनामता सिद्ध होती है। प्रथम कैवल्य उपनिषद का वचन है, स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्र स शिव सोक्षरस स परम स्वराट स इंद्रस स कालस कालाग्नि स चंद्रमा। दूसरा प्रमाण ऋग्वेद का प्रसिद्ध मंत्र जो प्रथम मंडल का 164वें सूत्र का जो 46वां मंत्र है, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहू रथो दिव्यस्य सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वानम आहू। तो ये दोनों मंत्र भी इसी तथ्य को परिपुष्ट करते हैं कि परमेश्वर के नामों की विधिवत उपस्थापना एवं सुष्ठु व्याख्या करके ऋषि दयानंद ने परंपरा को पुष्ट किया है। स्वामी वेदानंद तीर्थ ने सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समुलास के टिप्पणों में बहुनामता की पुष्टि के लिए कुछ और प्रमाण भी उद्धृत किए हैं। महाभारतस्थ जो विष्णु सहस्र नाम के भाष्य शंकर एवं रामानुज दोनों ने लिखे हैं, तो एतद विषयक अनुकूल प्रसंगानुकूल टिप्पणियां उन्होंने की है। तो विष्णु सहस्र नाम का श्लोक 11 अधोलिखित है, देखिए, यानी नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषि भी परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। अर्थात जो विष्णु के गौण अर्थात गुण संबंधी नाम प्रसिद्ध है और जिनका गायन ऋषियों ने किया है कल्याण के लिए, उनको कहता हूं। तो इस श्लोक के भाष्य में शंकराचार्य ने लिखा है, यानी नामानि गौणानि गुण संबंधिनि गुण योगात प्रवृत्तानि। अर्थात जो नाम गुणों से संबंध रखते हैं, गुणवाची हैं और गुणों के योग से बने हैं। तो अगले श्लोक में उसकी व्याख्या में भी इसी प्रकार के वचन आए हैं। रामानुजाचार्य मुख्य वृत्ति से सभी नामों को परमात्मा का वाचक मानते हैं। वे लिखते हैं, अतः उनके उनके भाष्य का पृष्ठ 203, अतः सर्व शब्दानाम लोक व्युत्पत्त्यवगत तत्तद् पदार्थ विशिष्ट ब्रह्माभिधायित्वे सिद्धम्। अर्थात अतः सब लोक लौकिक व्युत्पत्ति से ज्ञात उन उन पदार्थों से विशिष्ट ब्रह्म के वाचक हैं, यह सिद्ध हुआ। इसी प्रकार वे आगे लिखते हैं, जीव वाचिनः शब्दाः परमात्म पर्यन्ताः। अर्थात जीववाची शब्द परमात्मा परक है। वे इससे आगे तो बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख करते हैं, परम पुरुष है सर्वदा सर्व शब्द वाच्य। अर्थात परम पुरुष पुरुष परमात्मा सदा सब शब्दों का वाच्य है। तो मध्वाचार्य अपने ऋग भाष्य के आरंभ में इसी प्रकार लिखते हैं, सह पूर्णत्वात् पुमान नाम पौरुषे सूक्त ईरितः स एवाखिल वेदार्थः सर्वशास्त्रार्थ एवच स एव सर्व शब्दार्थ इत्याहोपनिषत् परा। अर्थात वह परमेश्वर पूर्ण होने से पुरुष सूक्त में पुरुष नाम से कहा गया, वही सब वेदों का वाच्य है, वह सब शास्त्रों का अर्थ है और सब शब्द भी उसी के वाचक हैं। उपर्युक्त इन सभी प्रमाणों के आधार पर यह तथ्य निर्विवाद रूप से सत्य सिद्ध होता है कि ईश्वर के नामों के विषय में ऋषि दयानंद का सिद्धांत कि गुण कर्म स्वभाव के आधार पर परमेश्वर के असंख्य नाम है तथा प्रथम समुलास में व्याख्यात सभी नामों के निर्वचन व्यावहारिक के साथ परमात्मा परख किए गए हैं, वे अत्यंत प्रामाणिक एवं शास्त्रानुकूल हैं।
तो अब ओम की व्याख्या पे विचार करते हैं। ओम जो है, ओम परमात्मा का निजी नाम है। तो प्रथम समुलास के प्रारंभ में ओंकार की व्याख्या करते हुए ऋषि दयानंद ने लिखा है, ओम यह जो ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें जो अ उ और म तीन अक्षर मिलकर एक समुदाय हुआ है, इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं। जैसे अकार से विराट, अग्नि और विश्व आदि, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ आदि, ये इन नामों का वाचक और ग्राहक है। उसका ऐसा ही वेदादि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं। आगे यजुर्वेद के मंत्र जो 40वें अध्याय का 17वां मंत्र है, ओम खम ब्रह्म का उल्लेख करके ऋषि दयानंद कहते हैं, देखिए वेदों में ऐसे ऐसे प्रकरणों में ओम आदि परमेश्वर के नाम हैं। इसके पश्चात छांदोग्य उपनिषद का जो प्रथम मंत्र ओम इत्येद अक्षर मुद्गीतम उपासित तथा मांडुक्य उपनिषद का प्रथम मंत्र ओम इत्येद अक्षर मिदम सर्वम तस्योप व्याख्यानम को उद्धृत करके ओम की व्याख्या के प्रसंग में उल्लेख करते हैं कि ओम इत्येतत् सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम को कहा है, अन्य सब गौणिक नाम है। और ये जो छांदोग्य जो उपनिषद का जो प्रथम वचन है, छांदोग्य उपनिषद पे शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, आनंदगिरी ने उसकी टीका लिखी है, उसमें शंकराचार्य इसका क्या अर्थ करते हैं, देखिए, ओम इत्येद अक्षरम उद्गीतम उपासित, ओम इत्येद अक्षरम परमात्मनो अभिधानम नेदिष्ठम नेदिष्ठम तस्मिन ही प्रयुज्यमाने स प्रसीदति। अब आनंदगिरी इस नेदिष्ठ की व्याख्या करते हुए क्या लिखते हैं, नेदिष्ठमिति निकटतमम अतिशयेन प्रियमिति यावत। तो ओम जो नाम है वो परमात्मा का निकटतम और निजी नाम है, बाकी सभी गौण उनके गुण परक गुण कर्म स्वभाव परक नाम है। इसके इस प्रकार अतः परमेश्वर का निज मौलिक नाम ओम है, परंतु अन्य नामों के विषय में ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, परमेश्वर के सब नाम सार्थक सार्थक और परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं। जैसे लोक में दरिद्री आदि के धनपति आदि नाम होते हैं, ऐसा वेद में नहीं मिलता। इससे यह सिद्ध हुआ कि कहीं गौणिक, कहीं कार्मिक और कहीं स्वाभाविक अर्थों के वाचक हैं। इस प्रकार ऋषि दयानंद के गुण कर्म एवं स्वभाव के आधार पर परमेश्वर के नामों की ऋषि दयानंद ने व्याख्या की है। तो मांडुक्य उपनिषद में ओंकार के जो अ उ और मय को आध्यात्मिक रूप से व्याख्यात किया गया है, उस पर थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं। आठवें मंत्र में मांडुक्य उपनिषद के कहा गया, सोयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकारो अधिमात्रम पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति। अर्थात वह यह आत्मा अक्षर दृष्टि से ओंकार है, वह मात्राओं का विषय करके स्थित है, पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद है, वे मात्रा अकार उकार और मकार है, मांडुक्योपनिषद का वचन है।
अब नौवें मंत्र में क्या कहता है मांडुक्योपनिषद, मांडुक्योपनिषद, जागृत स्थानो वैश्वानरो अकारः प्रथमा मात्रा, अर्थात ओम की जो प्रथमा मात्रा अकार यानी अ है उसका संबंध जागृत स्थान से है और वह वैश्वानर जिसे विश्वानर या विश्व संबंधी भी कहा जा सकता है। अब मंत्र 10 में मांडुक्योपनिषद क्या कहता है, स्वप्न स्थानस तैजस उकारो द्वितीय मात्रा, अर्थात ओम की द्वितीय मात्रा उकार यानी ऊ है उसका संबंध स्वप्न स्थान से है, वह तैजस है अर्थात तेज संबंधी है। अब 11वें मंत्र में क्या कहता है मांडुक्योपनिषद, सुषुप्त स्थान है प्राज्यो मकारस तृतीयो मात्रा, अर्थात ओम की तृतीय मात्रा मकार यानी म है जिसका संबंध सुषुप्त स्थान से है और वह प्राज्य है। इसके भाष्य में शंकराचार्य ने कहा है कि जिस प्रकार प्रस्थ से जौ तोले जाते हैं उसी प्रकार प्रलय और उत्पत्ति के समय मानो प्रवेश और निर्गमन के द्वारा प्राज्य से विश्व और तेजस मापे जाते हैं, क्योंकि ओंकार की समाप्ति पर उसका पुनः प्रयोग किए जाने पर मानो अकार और उकार मकार में प्रवेश करके उससे पुनः निकलते हैं जब बार बार ओम का उच्चारण करते हैं। तो ये परमेश्वर का जो ओम नाम है ये उसकी गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यात्मक व्याख्या है। इसी विवेचन की अनुकूलता में ऋषि दयानंद ने विराट अग्नि और विश्व इन तीन नामों का ग्रहण अकार मात्रा से बताया है, हिरण्यगर्भ वायु और तेजस इन तीन नामार्थों का ग्रहण उकार मात्रा से बताया है तथा ईश्वर आदित्य और प्राज्य इत्यादि नामार्थों का ग्रहण मकार मात्रा से बताया है। ऋषि दयानंद ने यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि हाँ किस प्रसंग के अनुसार नामों को परमेश्वर पर ग्रहण करना चाहिए और किस प्रसंग के अनुसार लौकिक सांसारिक पदार्थों का ग्रहण करना चाहिए। इसको स्पष्ट करते हुए ऋषि ने लिखा है क्योंकि ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है, जैसा कि व्याकरण निरुक्त ब्राह्मण सूत्र आदि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है वैसा ग्रहण करना सबको योग्य है, परंतु ओम यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारक है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जहां स्तुति प्रार्थना उपासना सर्वज्ञ व्यापक शुद्ध सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है और जिन मंत्रों में लौकिक सांसारिक वस्तुओं का स्पष्ट कथन होता है और जहां उन उन शब्दों से परमात्मा का ग्रहण न होकर लौकिक पदार्थों का ही ग्रहण करना चाहिए उन स्थलों को परिचित कराने के लिए ऋषि ने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। वे हैं यजुर्वेद 31:5 के ततो विराड जायत विराजो अधि पुरुष है पश्चात भूमि मथो पुरः, ऋग्वेद 31:9 तेन देवा अयजंत और यजुर्वेद 31:12 श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्नि रजायत अजायत है, इस पर ध्यान देने की बात है। और तैत्तिरीयोपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली का प्रथम मंत्र कोट किया है,
तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायु वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या औषधयः औषधिभ्यो अन्नम् अन्नाद् रेतः रेतसा पुरुषः स वा एष पुरुषोन्न अन्नरसमयः। तो ऋषि इस विषय में लिखते हैं कि ऐसे प्रमाणों में विराट पुरुष देव आकाश वायु अग्नि जल भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थ के होते हैं, क्योंकि जहां जहां उत्पत्ति स्थिति प्रलय अल्पज्य जड़ आदि विशेषण भी लिखे हों वहां वहां परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता, वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक है। और उपरोक्त मंत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार है, इसी से विराट आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न होके संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है। किंतु जहां जहां सर्वज्ञ आदि विशेषण हो वहां वहां परमात्मा, और जहां जहां इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और अल्पज्ञ आदि विशेषण हो वहां वहां जीव का ग्रहण होता है, ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता, इससे विराट आदि नाम और जन्म आदि विशेषणों से जगत के जड़ और जीवादि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं। तो ऋषि दयानंद के इन वचनों से यह तथ्य अत्यंत स्पष्ट हो जाता है कि किन वैदिक मंत्रों की व्याख्या हमें पारमार्थिक विधि के अंतर्गत और किन मंत्रों की व्याख्या व्यावहारिक विधि के अंतर्गत करनी और समझनी है। तो परमेश्वर के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए आगे ऋषि दयानंद ने लिखा है कि स्तुति प्रार्थना उपासना श्रेष्ठ ही की जाती है। श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो गुण कर्म स्वभाव और सत्य सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक हो। उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यंत श्रेष्ठ उसको परमेश्वर कहते हैं, जिसके तुल्य कोई न हुआ न है और न होगा। जब तुल्य नहीं तो उससे अधिक क्यों कर हो सकता है। जैसे परमेश्वर के सत्य न्याय दया सर्व सामर्थ्य और सर्वज्ञत्व आदि अनंत गुण है, वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ व जीव के नहीं है। जो पदार्थ सत्य है उसके गुण कर्म स्वभाव भी सत्य होते हैं, इसलिए मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति प्रार्थना उपासना करें, इससे भिन्न की कभी ना करें। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महादेव नामक पूर्वज महाशय विद्वान दैत्य दानवादी निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति प्रार्थना और उपासना करी, उससे भिन्न की नहीं की, वैसे हम सबको करना योग्य है। तो ये स्वामी जी ये सारे उद्धरण जो वो प्रथम समुलास के हैं। तो ऋषि दयानंद के इस महत्वपूर्ण मार्गदर्शन से हमें सीखना चाहिए कि हम केवल परमेश्वर की ही स्तुति करें, अन्य किसी की नहीं। हमारे जो पूर्वज ब्रह्मा विष्णु व महेश आदि हुए वे विद्वान पुरुष थे, उन्होंने भी परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना की। हमें भी कल्याण के लिए उसी मार्ग पर चलना चाहिए और किन्हीं मनुष्यों की स्तुति प्रार्थना उपासना नहीं करनी चाहिए। तो प्रथम समुलास का उद्देश्य यही है कि मानव सद्विचार एवं सद्बुद्धि पूर्वक वेदादि सत्य शास्त्रों का ठीक ठीक अध्ययन करे तथा परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयत्न करे। आगे ऋषि दयानंद ओम शन्नो मित्रः इत्यादि तैत्तिरीय उपनिषद के मंत्र में आए परमेश्वर के नामों की व्याख्या करके इसके अंत में प्राप्त ओम शांति 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 इस शांति पाठ की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि इसमें तीन बार शांति पाठ का प्रयोजन
है कि त्रिविध ताप अर्थात इस संसार में तीन प्रकार के दुख हैं, एक आध्यात्मिक जो आत्मा शरीर में अविद्या राग द्वेष मूर्खता और ज्वर पीड़ा आदि होते हैं, दूसरा आधिभौतिक जो शत्रु व्याघ्र और सर्पादि से प्राप्त होता है, तीसरा आधिदैविक अर्थात जो अतिवृष्टि अतिशीत अति उष्णता मन और इंद्रियों की अशांति से होता है। इन तीन प्रकार के क्लेशों से आप हम लोगों को दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिए, क्योंकि आप ही कल्याण स्वरूप सब संसार के कल्याणकर्ता और धार्मिक मुमुक्षुओं को कल्याण के दाता हैं। इसलिए आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित होइए अर्थात होइए कि जिससे सब जीव धर्म का आचरण और अधर्म को छोड़ के परमानंद को प्राप्त हो और दुखों से पृथक रहें। ये सत्यार्थ प्रकार में वही प्रथम समुलास में स्वामी जी ने लिखा। तो अब कुछ विशिष्ट नामों की व्याख्याएं हम देख लेते हैं, स्वामी जी ने किस प्रकार से व्याख्याएं की है। ऋषि दयानंद सरस्वती ने परमेश्वर के विभिन्न नामों की जो सार्थक प्रभावशाली एवं उत्तम व्याख्या की है उसका मूल आधार है शब्द की पाणिनीय व्याकरण अनुसारी व्युत्पत्ति एवं पाणिनीय धातु पाठ में पठित तत्तद धातुओं के विभिन्न अर्थ। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि ऋषि ने प्रसंग का ध्यान सर्वत्र रखा है। दूसरा महत्वपूर्ण पूर्ण बिंदु यह है कि ऋषि ने परंपरा का अनुसरण करते हुए परमेश्वर के तीनों लिंगों में नाम है इस प्रकार का मंतव्य दिया है। इस सिद्धांत का पालन करते हुए तीनों लिंगवाची नामों का व्याख्यान किया है। उदाहरण देते हुए ऋषि ने लिखा है जैसे ब्रह्म चितिरीश्वरश चेति, जब ईश्वर का विशेषण होगा तब देव, जब चिति का होगा तब देवी, इससे ईश्वर का नाम देवी है। स्वामी शंकराचार्य ने विष्णु सहस्र नाम के श्लोक 14 की व्याख्या में इसी प्रकार का उल्लेख किया है। यत्र पुल्लिंग शब्द प्रयोगस्तत्र तत्र विष्णुर्विशेष्या, यत्र स्त्रीलिंग शब्दस्तत्र देवता विशेष्यते, यत्र नपुंसक लिंग शब्दस्तत्र ब्रह्मेति विशेष्यते। अर्थात जहां पुल्लिंग शब्द का प्रयोग है वहां विष्णु, जहां स्त्रीलिंग शब्द है वहां देवता विशेष्य है, और जहां नपुंसक लिंग है वहां ब्रह्म विशेष्य है। इस प्रमाण से सिद्ध होता है कि ऋषि दयानंद का एक एक सिद्धांत प्रामाणिक एवं वेदादि सत्य शास्त्रों के अनुरूप है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ऋषि ने परमेश्वर के विविध नामों की व्याख्या को विस्तार देते हुए अभिधा लक्षणा व्यंजना एवं तात्पर्य आदि शब्दार्थ की सभी वृत्तियों का भरपूर उपयोग किया है। अतः प्रथम समुलास में समन्वित परमेश्वर के नामों की व्याख्या अद्भुत बन पड़ी है। अब कुछ विशिष्ट नामों की व्याख्या हम देख लेते हैं। देखिए अद्वैत की व्याख्या करते हुए स्वामी जी क्या कहते हैं, द्वयोर भावो द्वाभ्याम इतम साद्विता द्वितम वा सैव तदेव वा द्वैतम न विद्यते द्वैतम द्वितीयेश्वर भावो यस्मिस तद अद्वैतम। अर्थात सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यम ब्रह्म, दो का होना व दोनों से युक्त होना वह द्विता व द्वित अथवा द्वैत, इससे जो रहित है सजातीय जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है, विजातीय जैसे मनुष्य से भिन्न जाति वाला वृक्ष पाषाण आदि स्वगत पाषाण आदि, और स्वगत अर्थात शरीर में जैसे आंख नाक कान आदि अवयवों का भेद है, वैसे दूसरे सजातीय ईश्वर विजातीय ईश्वर व अपने आत्मा में तत्वांतर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है, इससे परमात्मा का नाम अद्वैत है। अब देखिए कितनी स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या है। परमेश्वर एक है, उसके अलावा परमेश्वर का भाव किसी मनुष्य वृक्ष पाषाण किसी अन्य देवी देवता
और अवतार आदि को नहीं दिया जा सकता। इस व्याख्या से इन सब मिथ्या प्रचलनों का खंडन ऋषिवर ने कर दिया। परमेश्वर के अद्वैत गुण के अनेक उदाहरण वेदों में प्राप्त होते हैं, यथा ऋग्वेद 7:32-23 और अथर्वेद 13:14-16-20। अब दयालु अर्थ की, दयालु परमेश्वर के नाम की व्याख्या देखते हैं, स्वामी जी ने की है। दय दान गति रक्षण हिंसा दानेशु, इस धातु से दया शब्द सिद्ध होता है। दयते ददाति जानाति गच्छति रक्षति हिनस्ति यया सा दया। वह्वी दया विद्यते यस्य स दयालु परमेश्वरः, जो अभय का दाता सत्यासत्य सर्व विद्याओं का जानने, सब सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों को यथा योग्य दंड देने वाला है, इससे परमात्मा का नाम दयालु है। इस व्याख्या में दया धातु के सभी अर्थ समाविष्ट हैं। संभवतः ऐसा लगता है पाणिनि ने भी धातु पाठ के संकलन से पहले वेदादि शास्त्रों का आलोडन किया था, तभी धातुओं के साथ सभी संबद्ध अर्थों का समायोजन किया। तो परमेश्वर के दयालु गुण के उदाहरण वेद मंत्रों में प्राप्त होते हैं, यथा ऋग्वेद 7:87-7 है, यो मृडयति चक्रुषे चिदागो वयम श्याम वरुणो अनागा, अर्थात भगवान पाप करने वाले पर भी दया करता है, अतः हम परमेश्वर की दृष्टि में अनागस अर्थात निष्पाप रहें। अब निर्गुण जो परमेश्वर के नाम की व्याख्या की उसको देखिए। गुण्यन्ते ये ते गुणा वा यैर गुणयन्ति ते गुणः, यो गुणेभ्य निर्गतः स निर्गुण ईश्वर, अर्थात जितने सत्व रज तम रूप रस स्पर्श गंध आदि जड़ के गुण, अविद्या अल्पज्यता राग द्वेष और अविद्या क्लेश जीव के गुण है, उनसे जो पृथक है, तो इसमें अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम, जो कठोपनिषद 3:15 का रेफरेंस है, ये भी स्वामी जी ने दिया, इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण है, जो शब्द स्पर्श रूपादि गुण रहित है, इससे परमात्मा का नाम निर्गुण है। अब सगुण कैसे परमात्मा, सगुण का अर्थ देखिए। यो गुणै सह वर्तते स सगुण है, जो सबका ज्ञान सर्व सुख पवित्रता अनंत बलादि गुणों से युक्त है, इसलिए परमेश्वर का नाम सगुण है। जैसे पृथ्वी गंधादि गुणों से सगुण और इच्छादि गुणों से रहित होने से निर्गुण है, वैसे जगत और जीव के गुणों से पृथक होने से परमेश्वर निर्गुण और सर्वज्ञादि गुणों से सहित होने से सगुण है। अर्थात ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो सगुणता व निर्गुणता से पृथक हो, जैसे चेतन के गुणों से पृथक होने से जड़ पदार्थ निर्गुण और अपने गुणों से सहित होने से सगुण, वैसे ही जड़ के गुणों से पृथक होने से जीव निर्गुण और इच्छादि अपने गुणों से सहित होने से सगुण, ऐसे ही परमेश्वर में समझना चाहिए। तो परमेश्वर के सगुण और निर्गुण विशेषणों का अर्थ कितनी स्पष्टता एवं समग्रता से ऋषिवर ने प्रस्तुत किया है। तो आज का कैसे उन्होंने किया परमात्मा ने, अज गति क्षेपण यो जनी प्रादुर्भावे, इन धातुओं से अज शब्द बनता है। यो अजति सृष्टिम प्रति सर्वान प्रकृत्यादीन पदार्थान प्रक्षिपति जानाति वा कदाचिन न जायते सो अज है, जो सब प्रकृति के अवयव आकाश आदि भूत परमाणुओं को यथा योग्य मिलाता, शरीर के साथ जीवों का संबंध करके जन्म देता और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता, इससे ईश्वर का नाम अज है। तो इस व्याख्या में व्युत्पत्ति में सम्मिलित दोनों धातुओं के तीनों अर्थों के समावेश पूर्वक स्वामी जी ने अनुकूल और हृदयग्राही व्याख्या इसकी की। लक्ष्मी की व्याख्या देखिए, लक्ष्मी परमात्मा का नाम है। लक्ष्य दर्शनांकन यो हो, इस धातु से लक्ष्मी शब्द सिद्ध होता है। यो लक्षयति पश्यत्यंकते चिन्हयति चराचरम जगद अथवा
वेदई राप्तैर योगिभिश्च यो लक्षिते स लक्ष्मी सर्वप्रियेश्वरः। अर्थात जो सब चराचर जगत को देखता चिन्हित अर्थात दृश्य बनाता, जैसे शरीर के नेत्र नासिका और वृक्ष के पत्र पुष्प फल मूल और पृथ्वी जल के कृष्ण रक्त श्वेत मृत्तिका पाषाण चंद्र सूर्य आदि चिन्ह बनाता तथा सबको देखता सब शोभाओं की शोभा और जो वेदादि शास्त्रों व धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य अर्थात देखने योग्य है, इससे परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है। तो कितनी स्पष्ट और सर्वातिशाही व्याख्या की है लक्ष्मी की। अब बंधु की व्याख्या देखिए। बंध बंधने इससे बंधु शब्द सिद्ध होता है। यह स्वस्मिन चराचरम जगद बधनाति बंधुवत धर्मात्मनाम सुखाय सहायो वा वर्तते स बंधु। जिसने अपने अपने में सब लोक लोकांतरों को नियमों से बद्ध कर रखा और सहोदर के समान सहायक है, इसी से अपनी परिधि व नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता है, वैसे परमेश्वर भी पृथ्वीव्याधि लोकों के धारण रक्षण और सुख देने से बंधु संजक है। अब यज्ञ का नाम, यज्ञ जो परमात्मा परमेश्वर का नाम, उसकी व्याख्या देखिए। यज्ञ देव पूजा संगति करण दानेशु, इस धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध होता है। और यज्ञो वही विष्णु, यह शतपथ का वचन है। यो यजति विद्वद् भिर्युज्यते वा स यज्ञ है। जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य है और ब्रह्मा से लेकर सब ऋषि मुनियों का पूज्य था है और होगा, इससे उस परमात्मा का नाम यज्ञ है। ऋषि ने अपने यजुर्वेद भाष्य में 31:7 में भी यज्ञात पद का अर्थ पूजनीय तमात अर्थात अत्यंत पूजनीय परमात्मा किया है। तो रुद्र शब्द की व्याख्या देखिए। रुदिर अश्रु विमोचने, इस धातु से निच और रक प्रत्यय होने से रुद्र शब्द सिद्ध होता है। यो रोदयत्यन्याय कारिणो जनान स रुद्र, जो दुष्ट कर्म करने हारों को रुलाता है, इससे उस परमेश्वर का नाम रुद्र है। यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। तो स्वामी जी कहते हैं, यह यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है। जीव जिसका मन से ध्यान करता उसको वाणी से बोलता, जिसको वाणी से बोलता उसको कर्म से करता, जिसको कर्म से करता उसी को प्राप्त होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करता वैसा ही फल पाता है। जब दुष्ट कर्म करने वाले जीव ईश्वर की न्याय रूपी व्यवस्था से दुख रूप फल पाते हैं तब रोते हैं, इसी प्रकार ईश्वर उनको रुलाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम रुद्र है। इस प्रकार परमेश्वर के रुद्र नाम की कर्म फल विवेचक व्याख्या भी अति प्रेरणास्पद है। उपर्युक्त विवेचन में हमने ऋषि दयानंद द्वारा परमेश्वर के कुछ विशिष्ट नामों की गई व्याख्या का विश्लेषण किया। ऋषि की यह व्याख्याएं अत्यंत सटीक तर्कपूर्ण एवं सत्य पर आधारित है। ऋषि के द्वारा की गई व्याख्याओं की पुष्टि वेदादि सत्य शास्त्रों व महाभारत आदि आर्ष ग्रंथों से भली भांति होती है। प्रत्येक नाम के परमात्म विषयक संदर्भ आर्ष ग्रंथों में प्राप्य है। स्वामी वेदानंद जी ने अपनी टिप्पणों में लगभग प्रत्येक नाम व्याख्या संबंधी प्रमाण, जो प्रमाण स्वामी जी ने उद्धृत नहीं किए वो उन्होंने उद्धृत किए हैं, सब दिए हुए हैं। अतः ऋषि दयानंद का एक भी वचन अप्रामाणिक नहीं। तो प्रथम समुलास के अंत में ऋषि दयानंद ने ग्रंथों के आरंभ में किए जाने वाले विविध मनमाने मंगलाचरणों की बात उठाई है तथा सांख्य शास्त्र को उद्धृत करते हुए मंगलाचरण के यथार्थ स्वरूप का उल्लेख किया है। मंगलाचरणम शिष्टाचारात फल दर्शनात् श्रुति तश्चेति, अर्थात जो न्याय पक्षपात रहित सत्य वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है उसी का यथावत सर्वत्र और सदा आचरण करना मंगलाचरण कहता है। स्वामी जी ने स्पष्ट किया है कि आजकल जो विविध संप्रदाय परक मंगलाचरण ग्रंथों के आदि में उपलब्ध होते हैं वे वेद और शास्त्रों के विरुद्ध होने से मिथ्या समझने चाहिए, क्योंकि वेद और ऋषियों के ग्रंथों में केवल ओम
तथा अथ ये शब्द प्राप्त होते हैं और चारों वेदों के आरंभ में अग्नि इट अग्नि और ये त्रिशप्ता पर्यंत इन शब्दों का व्यवहार मिलता है। तो इस संदर्भ में वेदानंद तीर्थ की टिप्पणी है कि ऋषि मंगलाचरण के विरोधी नहीं, वे अनार्ष अवैदिक पद्धति के विरोधी हैं, अतः एव यहाँ पौराणिक तांत्रिक मंगलाचरणों का उन्होंने खंडन किया है। तो उपसंहार में ऋषि दयानंद कृत ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य तथा सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुलास के स्वाध्याय से यह विदित होता है कि ऋषि व्याकरण व निरुक्त के तलस्पर्शी विद्वान है। निरुक्त से पता चल जाता है कि कौन सा शब्द किस धातु से निष्पन्न है, व्याकरण से उसके प्रत्यादि का निश्चय हो जाता है। ऋषि इस प्रक्रिया में सिद्धस्त है। निरुक्तकार यास्क वेदों के समस्त वेदों को योगिक मानते हैं, सर्वाणी नामानी आख्यात जानी। इसके साथ ऊपर इन सब बातों का उल्लेख किया जा चुका है कि सभी संज्ञावाचक शब्द योगिक रीति से परमेश्वर के नाम भी ठहरते हैं। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर ऋषिवर ने परमेश्वर के 100 नामों की महनीय व्याख्या की है, जिसमें सभी संभाव्य अर्थों का स्पष्टीकरण अत्यंत पारदर्शिता से किया गया है। प्रथम समुलास का प्रणयन ऋषि दयानंद ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए किया है। इसके स्वाध्याय से जिज्ञासु परमेश्वर के स्वरूप की स्पष्ट झलक प्राप्त करता है, जिसका विस्तार अपौरुषेय वेदों तथा तदनुकूल आर्ष ग्रंथों में उपलब्ध है। यहाँ से प्रेरणा प्राप्त करके कल्याण के लिए वेदादि शास्त्रों का आलोडन आवश्यक है, तदनुकूल आचरण भी आवश्यक है, तभी व्यक्ति को परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इस समुलास में परमेश्वर के नामों की व्याख्या का यही स्पष्ट उद्देश्य है कि मनुष्यों को वेदाध्ययन व तदनुकूल आचरण के लिए अतिशय प्रेरणा दी जाए। ऋषि दयानंद जैसे परोपकारी विद्वान सन्यासी की यह उत्कट इच्छा थी कि मानवता का कल्याण हो और संसार से दारुण दुखों का विनाश होकर सुखों का साम्राज्य हो। इसी को चरितार्थ करने के लिए ऋषि ने निस्वार्थ भाव से अथक परिश्रम किया तथा अपने समय का सर्वोत्कृष्ट उपयोग किया। उसमें वाणी से प्रचार, लेखनी से सदग्रंथों का लेखन तथा आर्य समाज की स्थापना आदि उनके मुख्य कार्य रहे। तो सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास की प्रायोगिकता तथा प्रासंगिकता तब तक अक्षुण्य रहेगी जब तक पृथ्वी पर मानवता रहेगी, और आर्य समाज के प्रथम और जो द्वितीय नियम की सार्थकता सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास से सिद्ध होती है। तो इन वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय हो गया है तो कुछ थोड़ा सा समय ज्यादा लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप सभी का धन्यवाद, ओम शांति। धन्यवाद प्रोफेसर रणवीर जी ने बहुत ही विद्वत्तापूर्ण भाषण दिया और महर्षि दयानंद के विचारों को बड़े एक उदाहरणों के साथ और एविडेंसेस के साथ सिद्ध किया, और मुझे बहुत अच्छा एक इनकी व्याख्या लगी जो अद्वैत का महर्षि दयानंद ने निर्वचन किया है। अद्वैत शब्द का अर्थ है जहां पर दूसरा ईश्वर नहीं है। तो ये अद्वैतवाद की व्याख्या को, जो अद्वैत दर्शन है उसकी व्याख्या को भी बदल डालता है। अद्वैतवादी मानते हैं कि केवल ब्रह्म है और कोई वस्तु नहीं है, परंतु यहाँ पर अद्वैतवाद का अर्थ है ऋषि दयानंद को फॉलो करें तो ईश्वर एक ही है, दूसरा ईश्वर नहीं है। वहां पर प्रकृति और जीव का कोई प्रतिकार नहीं होता है। तो हम भी ये समझते हैं कि महर्षि दयानंद की निर्वचनों को, उनकी व्याख्याओं को मानते हैं, तो पूरे दर्शन की, पूरे इतिहास की, वेदों की एक अलग व्याख्या उत्पन्न हो जाती है, और जो कि सब लोगों को का एक नया मार्गदर्शन और दिग्दर्शन करने में सफल है। जैसे ओम शब्द के बारे में बताया कि ओम ही ईश्वर का वाचक शब्द है। जो ब्रह्म है, जो ईश्वर साक्षात्कार के लिए जो ग्रंथ है, वह पतंजलि योग दर्शन है, और वहां पर पतंजलि स्वयं व्याख्या करते हैं तस्य वाचक ईश्वर, कि उस ईश्वर का जो तस्य वाचक प्रणव, कि ईश्वर का जो मुख्य शब्द है
वाचक जो शब्द है वह प्रणव है, वह ओंकार है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं महर्षि दयानंद ने बड़े तथ्यों के साथ और दृष्टांतों के साथ, उद्धरणों के साथ जो ऋषियों की व्याख्या है उसको प्रस्तुत किया और वो मार्ग दिखाया कि कौन सा ग्रंथ ऋषिकृत है और कौन सा ग्रंथ सामान्य मनुष्यों के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि ऋषिकृत ग्रंथ अथ से प्रारंभ होते हैं और इति से समाप्त होते हैं, वो श्री गणेश से प्रारंभ नहीं होते हैं। तो उन्होंने ये सब हमारे को एक डिस्टिंक्शन बना के दिया कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। मैं एक बार पुनः अपने विद्वान प्रवक्ता प्रोफेसर रणवीर जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।